आगरा में दो मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामला थाना एतमौद्दौला के कालिंदी विहार स्थित पेठा नगरी का है, जहां दो मंजिला इमारत में भयानक आग लग गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। इस दो मंजिला इमारत में एक मोटरसाइकिल पार्ट का गोदाम बताया जा रहा है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं गोदाम मालिक का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग लगने से करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 4-5 लाख का नुकसान। हाँ। आपके क्या कैसे आग लगी थी मालूम पड़ा? आग लगी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आया था, मैं यहाँ पर था नहीं, जब आया वो कंप्लीट हुआ था इलेक्ट्रिक की वजह से, मतलब शॉर्ट सर्किट। कुछ लोग रहते भी थे यहाँ पर जो? जी, काम चल रहा था ट्रेन का, काम चलते ही मतलब कोई केमिकल वगैरह भी रखा हुआ? केमिकल नहीं, पेंट मतलब होता है, पेंट पेंट भी रखा हुआ था मेरे पास, और आपकी मतलब पेंट वगैरह सारी चीज़ें। एक्चुअली अभी ये सूचना मिली थी, ये एक मकान में आग की, तो उस समय गाड़ी तुरंत रवाना हुई और यहाँ पे आकर के जब गाड़ी पहुँची है तो तुरंत फायर का उन्होंने काम, फायर अग्निशमन का कार्य प्रारंभ कर दिया। और इसमें मोस्टली जो मोटरसाइकिल के जो मडगार्टर हैं वो उनका स्टोरेज बना रखा हुआ था और उसी पे ये लोग शायद पेंट का कार्य करते थे। तो आंकलन लगाया जा रहा है सर, कितने का नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान का तो आंकलन अभी नहीं बताया जा सकता, वो तो पूरा जो भी इनका स्टॉक है या क्या चीज़ वो चीज़ देख करके ही जानकारी मिल पाएगी। शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है? हाँ, तौर पर अभी शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। सूचना मिलने के बाद दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।